वेलकम टू माय चैनल नौकरी लो। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हॉकिंग कुकर्स लिमिटेड के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में, कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरह के पैटर्न थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप के वीडियोस के लिए और सारे के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस और फॉर्मल अप्लाई प्रोसेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन पैटर्न है ये आपके टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही आप लोग हॉकिंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं या फिर टेक्निकल लाइन में। इस वीडियो में हम आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन पैटर्न्स और सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। मतलब एक टाइप से आपको प्रैक्टिस सेट ही मिल जाएगा कि आपके हॉकिंस कुकर लिमिटेड के एग्जाम्स में, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम्स थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बना दिया, मैंने खुद ये एग्जाम जाके दिया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस टाइप का एग्जाम था, क्या था टाइमिंग और किस तरह से डील करना है। और ये जो पैटर्न है ये आपके टेक्निकल इंजीनियरिंग को लेकर के है। ओके, जैसे ही आप हॉकिंस कुकर लिमिटेड के फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर दो तरह के वैकेंसीज रहते हैं, एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए और एक टेक्निकल के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और ये टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि मैंने खुद से दिया हुआ है इसके लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैथ्स के तीन क्वेश्चंस रहते हैं और जो मैंने एग्जाम्स देने के लिए गए थे तो जो मुझे मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन मिला था वो इस टाइप का था, आपके डेसिमल पॉइंट्स में प्लस माइनस सिंपल कैलकुलेशन वाले मैथ्स थे, ये 10 मार्क्स के थे। ओके, तो ये इतना सा ही नहीं था, ये लगभग 2-3 लाइन के थे, मतलब अराउंड आपको 15-20 नंबर्स आपको मिलेंगे विथ डेसिमल, वही आपको प्लस माइनस करने हैं और उन्हीं को सॉल्व करना है। फिर एग्जांपल टू हम बता रहे हैं, एग्जांपल टू ये भी मैथ्स का ही था, मैथ्स का 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो इस टाइप का सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका ये टेबुलर फॉर्म में था, आपके स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और मुझे जो है एवरेज निकालने के लिए कहा गया था, सो सिंपली मैथ्स के क्वेश्चन सिंपल थे। और उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन भी मैथ्स के थे, वो भी 10 मार्क्स के थे ऑब्वियसली, और वो वर्क एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ था। सो मैथ्स के 3 क्वेश्चन हो गए, 10-10-10 मार्क्स से, 30 मार्क्स से टोटल मैथ्स के क्वेश्चन थे। आपको टोटल 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम के लिए और आपको ये जो है रिटन एग्जाम होगा, आपको जाके किसी स्कूल में या फिर सेंटर में एग्जाम देने हैं। ये कोई ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, आपको जाके ये क्वेश्चन पेपर आपको बुकलेट मिल जाएगा, उसमें ये एग्जाम को इसको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के बाद आपको स्पेस मिलेगा, आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, आंसर अपने हाथों से लिखना है, टिक करना है। ओके, और जहाँ तक ये आपके क्वेश्चन पैटर्न की बात है, ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। आप जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे वीडियोस के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं उस टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपलोड कर देता हूँ, सो प्लीज़ ज्वाइन टू माय टेलीग्राम चैनल। चलिए आगे देखते हैं, 3 मैथ्स के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके इंग्लिश कॉम्पोजिशन को लेकर के। ओके, सो इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको दो पेजेस रहेंगे। ओके, इस टाइप से 2 पेजेस रहेंगे और दोनों पेजेस में सेम पैसेज ही लिखे हुए रहेंगे और आपको चेक करना है कि कौन सा, और आपको मैच करना कि यहाँ जो लिखा हुआ और यहाँ जो लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है या नहीं। अगर अलग लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको कट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेज्ड लिखा हुआ है बट यहाँ पे ब्लेस लिखा हुआ है, सो आपको यहाँ पे ये मैंने रेड कलर से किया हुआ है जानबूझ के। आप लोग को मेन एग्जाम में इस टाइप से कुछ रेड से कलर नहीं किया हुआ रहेगा, आपको खुद से फाइंड करना है कि कौन सा गलत है। आपको वहाँ पे इसको कट करना है पेन से और उसके ऊपर जो है सही जो है वो आपको लिखना है। इस टाइप से आपके एरर्स जो है 10 मार्क्स में आपको 20 एरर्स मिलेंगे। ओके, सो अगर आपको 20 एरर्स मिल चुके हैं मतलब कि आपका क्वेश्चन कम्प्लीट है। अगर 20 एरर्स नहीं मिले आपको तो आप समझ जाइएगा कि उसमें और भी एरर्स है और आपने अभी तक ढूंढा नहीं है। सो जब तक 20 एरर्स ना मिले आप उसमें एरर्स ढूंढते रहिए। उसके बाद आपके इंग्लिश के बाद आपके जो है टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके टोटल 13 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 13 में से आपको एनी 10 बनाने हैं। ओके, हर एक सही आंसर्स पे 2 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। सो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के साथ रहेंगे, आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो आंसर है वो आपको टिक आउट करना है, वहीं पर बुकलेट पर ही आपको टिक आउट करना है। ओके, सो इस टाइप से 13 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
मैंने 13 एग्जाम्पल्स क्वेश्चन। और हाँ एक और बात, अगर आपने टेक्निकल के एग्जाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको जो क्वेश्चंस है वो टेक्निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके बेसिक्स क्वेश्चंस ही आएंगे, जैसे आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, मतलब कि सारे के सारे ब्रांचेस को मिक्स करके जो आपके नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। ओके ज़्यादातर मेरे टाइम में क्वेश्चंस जो है वो आपके मैकेनिकल से थे। आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस आई थिंक 8 to 9 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम द मैकेनिकल ब्रांच। और उसके बाद फिर 13 क्वेश्चंस के बाद, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव वाले हो गए, 13 क्वेश्चंस के बाद आपको 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस, आपको पूरा प्रोसेस लिख के बताना है कि आपने कैसे सॉल्व किया उस क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। एंड जो है यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको एनी 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके और ये आपके नेगेटिव मार्क्स के नहीं थे, टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। ईच क्वेश्चंस जो है आपके ईच क्वेश्चंस जो है आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। ओके सो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ईच क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स से हो जाएंगे। सो ईच क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हो गए, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको नीचे स्पेस दिया हुआ रहेगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके सो ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे यही चैनल के जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। सो थैंक यू, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के वीडियोस मैं हमेशा बनाता हूँ। और मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको अगर ये एग्ज़ाम पास करना है। आपको पता है कि सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड स्टार्टिंग आपके 75,000, 60,000 से 75,000 का आपका मार्जिन है। उसके बाद फिर आपका 80,000 to 85,000 आपका ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपका सैलरी इसमें बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, प्राइवेट जॉब है और अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। सो आप इस जॉब के लिए ट्राई कीजिए। अगर इसकी वैकेंसी दोबारा आती है तो मैं इसी चैनल में इसके बारे में बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज के बारे में मैंने ऑलरेडी इस चैनल में बताए हुए हैं, तो आप सारे के सारे वीडियोज़ को हमारे चैनल में देखिए। आपके जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब की वैकेंसी आपको मिल जाएगी, आप उसमें अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द आप नौकरी लीजिए। सो साइनिंग अप, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।